नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूनिवर्स मिस्ट्री की नई वीडियो पर। इस वीडियो पर आज हम आपको बताएंगे कि यूनिवर्स किन चीजों से मिलकर बना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतरिक्ष का 95% हिस्सा डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से बना हुआ है। बाकी का 5% हिस्सा भौतिक पदार्थों से मिलकर बना है, यानी जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे तारे, ग्रह और नक्षत्र। वैज्ञानिकों का कहना है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही वो कड़ी है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को एक सिस्टेमैटिकली ढंग से जोड़ के रखा है। डार्क मैटर ऐसे पदार्थों से मिलकर बना है जो लाइट को ऑब्जर्व, इमिट और रिफ्लेक्ट नहीं करते। इस कारण अब तक की टेक्नोलॉजी से इनको देख पाना संभव नहीं है। इन पदार्थों की कोई विकसित समझ हमारे पास अब तक नहीं है, पर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इन पदार्थों का कोई अस्तित्व नहीं होता। केवल वैज्ञानिकों के सहारे ही हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अब बात करेंगे दूसरी मिस्ट्री, ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल यूनिवर्स के सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट में से एक है। इसमें ग्रेविटी इतनी अधिक होती है कि इसमें से लाइट भी बचकर नहीं निकल पाती। ब्लैक होल का निर्माण विशालकाय तारों के अंदर होने वाले महाविस्फोट के कारण होता है। इस बात की खोज कार्ल स्क्वार्टजिल्ड और जॉन व्हीलर ने की थी। विज्ञान के विस्तार ने ब्लैक होल के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है, पर आज भी इससे जुड़े कई रहस्य ऐसे हैं जिनके ऊपर से पर्दा अब तक नहीं उठ पाया है। जैसे ब्लैक होल के अंदर क्या है, इस सवाल का जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। ब्लैक होल को देख पाना असंभव है और हमें ये भी नहीं पता कि ब्लैक होल के केंद्र में जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो उसके साथ क्या होता है। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्लैक होल में जाने के बाद ऑब्जेक्ट किसी दूसरे आयाम में चले जाते हैं। यह संसार द्वंद पर चलता है। इस संसार में हर प्रक्रिया का द्वंद है, जैसे स्त्री का पुरुष, जीवन का मृत्यु। उस यूनिवर्स में चीजें उल्टी होती होंगी और वहाँ के नियम भी उल्टा ही काम करेंगे। ब्लैक होल उस आयाम तक जाने का साधन हो सकता है। ये थी हमारे यूनिवर्स से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।